आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए कॉटन की एमएसपी 6,380 रुपए क्विंटल तय की है, जबकि महाराष्ट्र में किसानों को कॉटन का दाम 12,000 रुपए क्विंटल तक मिल रहा है, इसलिए किसान इस साल इसकी बुवाई पर जोर दे रहे हैं। कृषि विभाग भी चाहता है कि किसान कॉटन की ज्यादा बुवाई करे ताकि इनकी इनकम में इजाफा हो, आय डबल हो जाए। अहमदनगर जिले में कृषि विभाग इसके लिए एक गांव एक किस्म नाम से अभियान शुरू किया है। किसान भी सहयोग दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस फसल से उनकी इनकम में इजाफा होगा और कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन और जिले के किसानों की भागीदारी से इस बार उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले के 61 गांवों में कपास की एक ही किस्म लगाने और उत्पादन में इजाफा करने का प्लान बनाया गया है। कॉटन उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान और कृषि विभाग साथ आए हैं। जिले में यह एक अनोखी पहल है जिसके तहत एक गांव में ही एक किस्म के कॉटन की बुआई होगी, वो भी एक साथ। इससे कृषि विभाग और किसान दोनों को फायदा होगा। बताया गया है कि इसके लिए जिले में 5,665 हेक्टेयर में कपास की बुआई की जाएगी। अहमदनगर जिले में कपास का रकबा बढ़ रहा है, लेकिन अब क्षेत्र के साथ साथ किसानों की आय भी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि एक ही समय में एक ही किस्म के कपास के बीज बोए जाएं तो अच्छा रहेगा। कृषि विभाग का मानना है कि इससे कपास पर कीटों का प्रभाव भी कम होगा। एक गांव एक किस्म पहल के तहत जिले के 61 गांवों में 5,665 हेक्टेयर में एक साथ कपास की बुआई की जाएगी। इसकी शुरुआत अहमदनगर जिले के नेवासा, पाथरड़ी, शेवगांव तालुका से होगी। यहां कपास का रकबा साल दर साल बढ़ रहा है। इसके अलावा अब जामखेड़, राहुरी, श्री गोंडा करजत ब्लॉक में भी यह क्षेत्र बढ़ रहा है। इस अभियान का मकसद तभी पूरा होगा जब अगले साल भी कपास का अच्छा दाम मिले। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगले साल भी कॉटन का दाम अच्छा मिलेगा, क्योंकि USDA की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल चीन में 8.5% और भारत में 7.6% उत्पादन कम हुआ है, जिसका असर दाम पर दिखेगा। पिछले करीब 3 साल से कॉटन का दाम MSP से ज़्यादा ही चल रहा है। एक गांव एक किस्म अभियान के तहत नगर तालुका में 9 गांव शामिल होंगे। इसमें 774 हेक्टेयर में कपास की खेती होगी। पथरडी तालुका में 13 गांव को शामिल किया गया है। इनमें 1460 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। शेवगांव तालुका के 8 गांवों में 1200 हेक्टेयर एरिया शामिल किया जाएगा। इस पहल के जरिए रकबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही उत्पादन में भी इजाफा होगा, जिससे किसानों की आय डबल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।